रायबरेली के डलमऊ घाट पर स्थित प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर रानी का शिवाला मंदिर के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अद्भुत मूर्तियों के साथ ये मंदिर अपने आप में बहुत सी पुरानी बातों को बयां करता है। हम आपको बताएं कि प्राचीन काल लगभग 200 वर्ष के पूर्व बना ये मंदिर अब काफी जर्जर होता भी दिखाई पड़ रहा है। मंदिर के पंडित जी का कहना है कि मंदिर में अभी कुछ काम होना है। हम आपको बताएं कि रायबरेली के गंगा तट पर स्थित ये प्राचीन काल का मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव की भव्य शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक अद्भुत शक्ति भी है। S7 न्यूज चैनल की टीम वहाँ पर गई और उसने बनाई है अपनी खास रिपोर्ट। नमस्कार, S7 न्यूज नेटवर्क पे आपका स्वागत है। इस वक्त S7 न्यूज की टीम पहुंची है डलमऊ घाट के रानी का शिवालय मंदिर पर। लगभग 200 वर्ष प्राचीन पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो हालत है, कहीं ना कहीं इसका जीर्णोद्धार दोबारा नहीं किया जा सका है। बताते चले कि 200 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान शिव की अद्भुत प्रतिभा भी आपको दिखाई पड़ेगी। लगातार भक्त यहाँ पर आते हैं, और यह डलमऊ घाट के प्रसिद्ध घाट के पास पे ही रानी का शिवालय मंदिर है। इस मंदिर पे जो पुजारी हैं वो बताते हैं कि उनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर की सेवा कर रही है। इनकी मांग है कि सरकार की नज़र इस मंदिर पर भी जाए और इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। आइए इस मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मंदिर का इतिहास क्या है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुजारी महेश दत्त त्रिवेदी, शिकायत गंज डलमऊ। अच्छा, तो मंदिर का इतिहास क्या है पंडित जी? ये मंदिर ठकुराइन दरिया कुंवर ने लगभग 200 वर्ष पहले बनवाया था रानी का शिवालय को। इसकी देख रेख पुजारी स्वयं करता है। इसमें कुछ जमीन वगैरह लगी थी, तो उस जमीन को प्रबंधक ने 23 बीघा जमीन बेच करके 2001 में मर गया। अब बाकी 17 बीघा जमीन बची हुई है, उसमें भूमाफिया लोग लगे हुए हैं। लगभग 3 करोड़ की संपत्ति इस समय विद्यमान है ठाकुर जी भगवान के नाम, शिवालय के नाम से। अच्छा, ये तो डलमऊ के मतलब बीचों बीच घाट में स्थित मंदिर है, क्या मांग करना चाहते हैं कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें हों जिससे यहाँ पे भक्तजन लोग आते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल जाए इसको? यहाँ मंदिर में इसका जीर्णोद्धार संपूर्ण होना चाहिए, और जो गिर गया है, नमामि गंगे योजना ने कुछ कार्य किया था, वो नथिंग, वो कोई काम मतलब का नहीं है। वो आकर के देखा जा सकता है, उसने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर इसकी रंगाई पुताई डेंटिंग पेंटिंग टिप टाप इसको करवाया जाए मंदिर को। तो ये थे पंडित जी, इनका साफ कहना है कि मंदिर की रंगाई पुताई व जीर्णोद्धार होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो भक्तजन यहाँ पर आकर भी अच्छे से अच्छे दर्शन कर सकेंगे। हम आपको एक चीज़ और बता दें, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इसी प्रांगण में एक मंदिर का परिसर है, जहाँ पर बताते हैं चलें कि अष्टधातु की मूर्तियाँ रखी रहती थी, और इन्होंने मुझे बताया पंडित जी ने कि वो चोरियाँ हो गई थी। चोरी होने के बाद से कई तरीके से इस मंदिर के लोग आते रहें, दर्शन करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं यह मंदिर अभाव का शिकार दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ सरकार लगातार मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कर रही है, ऐसे में डलमऊ के इस घाट का भी, इस घाट में उपस्थित मंदिर का भी कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार होना चाहिए। S7 न्यूज़ टीम के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ डलमऊ घाट से। हर हर महादेव नमो नमः, परमेश्वराय नमो नमः, दिगंबराय ओम नमो नमः, नीलकंठाय ओम नमो नमः। हर हर महादेव नमो नमः, परमेश्वराय नमो नमः, दिगंबराय ओम नमो नमः, नीलकंठाय ओम नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
आयो नमः शिवाय।